फिर से गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, सुप्रभात। हम लोग अपने फिर से एक नेक्स्ट लेक्चर के संग आ गए थे मैथ्स के। हम लोग का नेक्स्ट टाइम की लेक्चर चल रहा था बहुपद चल रहा था, आज उसी पे थोड़ा और बात करेंगे। देखिए बहुपद चैप्टर में अब हमको क्या बात करना है, बहुपदों के मान निकालना सीखना है। मान मतलब जैसे मान लीजिए हमने कोई आपको बहुपद दिया, हमने ये आपको बहुपद दे दिया और हम आपको एक कोई संख्या दे दी और हमने कहा इसका मान क्या आएगा, इसका मान क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए कुछ हमको यहां पे करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस x का जो हमको मान दिया गया है, या आपका जो टॉपिक आपने क्लास 9 में पढ़ा है सेम टॉपिक आपको क्लास 10th में भी दूसरा जो लेक्चर बनेगा सेम यही लेक्चर है, ठीक है। जो भी हमारा एक्स का मान है उसको हम इसमें रख देंगे, इसमें जो हमारा बहुपद दिया गया है। अब देखिए एक्स जहां जहां है एक्स को बस हटाएंगे, वहां पे दो रखते जाएंगे और एज इट इज वही चीज रखते जाएंगे जो रखना है। कैसे, एक्स स्क्वायर है तो टू का स्क्वायर, एक्स है तो टू, थ्री है तो थ्री, एज इट इज वही। क्यों, क्योंकि हमको बहुपद का मान निकालना, मतलब इसका मान क्या आएगा जब एक्स बराबर ये होगा, हम वही मान निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, दो के घात दो चार हो गया, दो तीन, तो छह और तीन कितना हो गया, छह और तीन सात होता है, हमारा मैथ भी खराब हो गया आपका भी खराब हो गया, सही करते हैं इसको, छह और तीन नौ होता है, आएगा समझ। तो ये क्वेश्चंस में क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको एक्स की वैल्यू दे दी जाएगी, हो सकता है एक वैल्यू दी जाए, हो सकता है दो वैल्यू दे दी जाए, दो वैल्यू दे दिया गया और कहा गया कि जो हमारा बहुपद है उसका मान निकालिए। तो x बराबर टू जब था वो तो हमने निकाल लिया, x बराबर वन बाई टू करके निकालेंगे, कैसे निकलेगा बताइए। देखिए जो बहुपद रहेगा हम उसको एफ एक्स के रूप में लिखेंगे, मतलब ये बहुपद का फलन होता है, हर बार यही लिखते हैं, मतलब जो भी बहुपद आएगा इसके बाद आएगा इक्वल टू के बाद, ठीक है। अब एक्स की जगह आप मान क्या रख दिए, जैसे एक्स बराबर टू लिखना था तो हमने पहले एक्स बराबर टू किया, उसके बाद हमने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री करके उसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। वही चीज एक्स बराबर वन बाई टू में भी कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स की जगह क्या लिखिए वन बाई टू, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दिए, प्लस फिर से वन बाई टू, एक्स था वन बाई टू कर दिए, प्लस थ्री। अब देखिए क्या होगा, ये वन बाई फोर हो जाएगा, प्लस वन बाई टू प्लस थ्री, लासा कितना आया। देखिए अब क्या है, ये दोनों जो है भिन्न रूप में है और ये जो है नॉर्मल है, भिन्न रूप में भी है तो एक का जो हर है वो चार है, एक का दो है और एक का एक है, तो जब भी हर अलग अलग होते हैं भिन्न में तो हम जोड़ते समय क्या करते हैं लासा लेते हैं, याद है चलिए लासा जो भी हर है सबको लिख लेते हैं, चार दो एक, एक को लिखने का कोई मतलब नहीं है, चार और दो हुआ, दो से करें और फिर दो से, ठीक ये चीज हो गया, जो भी आया उसका गुणा कर दिया, दो दुनिया चार, सही है। मैथ में थोड़ा वीक है बट पढ़ा लेते कभी कभी, तो ये फोर आ गया, चार का चार से हमने भाग दिया एक आया, एक का गुणा एक से एक, फिर चार का भाग दो से तो दो, दो एक कम दो, चार का भाग एक से तो चार, चार त्रिक बारह, तो बारह दो चौदह, चौदह एक पंद्रह, तो पंद्रह बटे चार, बोलो आएगा समझ में। इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सीधे बहुपद लिखेंगे उसके बाद जो मान है उसको पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन नोट करिए,
दिए गए चर के मान, दिए गए चर के मान के लिए निम्नलिखित बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सही है। मैं यहां हिंदी पढ़ाने थोड़ी आया, मैं यहां मैथ्स पढ़ाने आया हूं, तो आप मैथ्स पढ़िए, वर्ड्स में मत जाइए, भावनाओं पे जाइए। अब भावना पे नहीं, पढ़ाई वाली भावना पे जाइए। ठीक है, अब देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, दो बहुपद में आपको दूंगा, ठीक, हमने आपको यहां पे दो बहुपद दे दिए और मान दे दिया, आपको क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, सही से लिखिएगा, दिए गए चर का मान, स्पेलिंग गलत मत करिएगा, ठीक, स्पेलिंग आप लोग बहुत गलत करते हैं, धोखा हो जाता है कभी कभी देखने में, लेकिन आप लोग सही करिएगा, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको उठाते हैं, लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 2x प्लस 3 x बराबर 1/2, इसको ऊपर लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 11। ठीक, अब देखिए यहां पर हमको करना क्या है, हमको एफएक्स करके लिखना है, क्योंकि जब भी हम कोई बहुपद को लिखते हैं सॉल्व करने के पहले, तो हम उसको इसी रूप में कर देते हैं, एफएक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x अपॉन क्यू। ठीक है, उसके बाद जो मान है उसको x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है या रखना है, तो यहां पे -1 के बाद, अब देखिए 1 -1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -3 रूट 11। इसके बाद क्या होगा, देखिए 1 -3 रूट 11। देखिए अब रूट 11 को हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये जो है वास्तविक संख्याओं वाला चैप्टर नहीं है, तो इसलिए हम रूट 11 को ज्यादा छेड़ेंगे नहीं, वो जिस तरह उसी तरह उसको पढ़ा रख देते हैं। वास्तविक संख्या वाला चैप्टर होता था तो उसमें क्या होता था, चीजों को हम दशमलव में बदल देते थे, बट यहां पे बहुपद की बात करें तो बहुपद पे ही रहेंगे, ज्यादा इग्नोर नहीं करेंगे, सीधे मान ही निकालना, बस उस पे आएंगे। तो रूट 11 -2, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मान आ गया, नोट कर लीजिए, अपने आप करने की कोशिश करिएगा। दूसरा शुरू करें, क्या करना है, फिर से वही काम, एफएक्स 2x प्लस 3 ठीक, दोनों दो को काट दिया, क्या बचा 1 प्लस 3, अरे गलती हो गया, 1 प्लस 3 कितना होता है 4, क्लियर है। तो इसको आप लोग नोट कर लिए,
क्वेश्चंस आप लोग को दे देते हैं, कर लीजिए उसको, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। नोट हो गया? अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की ओर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद के शून्य। ठीक है, इसमें होना क्या है पहले ये समझ लीजिए। देखिए, जो भी बहुपद होते हैं उनमें कुछ मान ऐसे होते होंगे जिनको रखने पे वो हमारा बहुपद क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे हम कर क्या रहे थे, हम यही कर रहे थे ना, एफ एक्स में कोई मान रख रहे थे और एफ एक्स का एक मान ऐसा आ रहा था जिस मान पे ये हमारा क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। तो बहुपद का वो मान जिसपे वो शून्य हो जाए वही हमारा क्या कहलाएगा, शून्य हो जाएगा। अब कैसे किसी चीज के शून्य निकालेंगे या कैसे पता करेंगे कि ये शून्य है कि नहीं है, वो प्रोसीजर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें बहुपद तो मिलना चाहिए, एक बहुपद हम लिख लेते हैं अपने मन से। ये हमको एक बहुपद दे दिया गया और हमको कहा गया कि ज्ञात करिए, हमको ये ज्ञात करना है, कहा गया ज्ञात करिए कि x का मान जब बराबर 2 होगा, कि x का मान जब बराबर -2 होगा, किस मान पर ये जो बहुपद है हमारा ज्ञात होगा, बहुपद का शून्य ज्ञात होगा। ठीक है, या इसको थोड़े दूसरे तरीके से बोलते हैं कि x बराबर 2 और x बराबर -2 इसका शून्य है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या बोला गया कि हमको इसका शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, हम सीधे से थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं, नहीं तो नीचे कट जाता है थोड़ा सा। अब सही है, सही बोलते हैं। अरे आप लोग सुनिए, कैमरा मैन लोग से पूछ रहे हैं, कुछ कैमरा मैन लोग से बात कर लेना। ठीक है, ठीक। अब देखिए, यहां पे हमको क्या करना है, x का एक मान दे दिया गया 2 और x का एक मान दे दिया गया -2। हमको क्या करना है कि इसको मान यहां पे रख के हमको ये ज्ञात करना है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा। अगर रखने पे 0 आ गया तो शून्य होगा, 0 नहीं आया मतलब शून्य नहीं होगा। बहुत आसान सी चीज है। चलिए पहले हम इसको उठाएं, हम x बराबर 2 उठाएं। ठीक, x बराबर 2 उठा लिए, x बराबर 2 उठाए तो यहां पे 2 रखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए तुरंत आपको जल्दी से करना है ये चीज में, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्लस माइनस सही से लिखेंगे। x की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2, x की जगह क्या लिख देंगे, 2 और यहां पे 4, 2 2 4, 4 2 8 प्लस 4, 4 + 8 12, 12 + 4 16। तो fx का मान कितना आ गया, एफ टू का मान कितना आ गया, 16 आ गया। क्या ये 0 आया, 0 नहीं आया। देखिए हम कुछ करें नहीं, अगर आपको याद है तो पिछले में हम क्या कर रहे थे, बहुपद के मान निकाल रहे थे, तो बहुपद का मान ही तो निकाला हमने यहां पे, हमने कुछ नया चीज थोड़ी किया। बट यहां पे अंतर क्या है, हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य जैसे शून्य किससे बना, शून्य शून्य से बना है, मतलब हमको बहुपद के वो मान निकालना है जब वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो क्या यहां पर ये शून्य हुआ, शून्य नहीं हुआ, मतलब ये इसका शून्य होगा। x बराबर 2 जो है इस
बहुपद का इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। क्लियर बात? क्योंकि जीरो नहीं ला पाए, जीरो नहीं ला पाए इसलिए शून्य नहीं होगा। अब इसको उठाएं, एक्स बराबर माइनस टू, फिर से वही काम करेंगे, माइनस टू डाल दें यहां पे, एक्स स्क्वायर कितना होगा, माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू प्लस फोर। ठीक है, अब माइनस टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, और फोर इंटू माइनस टू तो माइनस एट प्लस फोर, चार और चार को जोड़ दिए तो आठ, माइनस आठ जीरो, तो एफ का मान माइनस टू बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। मतलब क्या है, देखिए ये इसका तो नहीं हो पाया बट इसका हो गया, मतलब ये इसका शून्य होगा नहीं होगा, ये इसका शून्य होगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा यहीं पे लेक्चर को रेस्ट देंगे, अगले लेक्चर में इसकी थोड़ी सी और बात करेंगे और एक दो क्वेश्चन और करेंगे उसमें हम लोग। अब यहां पे क्या था, अगले लेक्चर में हम लोग को क्या करना है, अगले लेक्चर में हम लोग ये करेंगे कि हम आपको मान ही नहीं देंगे और हम कहेंगे आप उस बहुपद का क्या निकालिए, शून्य निकालिए। ठीक है, तो द्विघाती पे तो नहीं जाएंगे, एक घाती बहुपद ही का उपयोग करेंगे और उनका शून्य निकालना सीखेंगे। तो आज के लिए आपसे यहीं पे हम रेस्ट चाहेंगे, थैंक यू।